नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव बंदा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग में फेसबुक के पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं विद लाइक एंड शेयर बटन। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक रैंडम पेज लिया है और उसके इस पोस्ट को मैं अपने वेबसाइट या ब्लॉग में इंक्लूड करना चाहता हूँ विद लाइक एंड कमेंट एंड शेयर बटन। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो का लिंक कॉपी करना पड़ेगा। लिंक कॉपी करने के लिए आपको इस वीडियो पे क्लिक कर देना है। वीडियो का लिंक आपको यहाँ यूआरएल में दिखने लगेगा। उसके बाद आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको google.com पे चले जाना है। google.com पे जाने के बाद आपको टाइप करना है एड फेसबुक पोस्ट इन वेबसाइट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको ये सर्च रिजल्ट में ये वाला पेज आ जाएगा, developers.facebook.com, जहाँ पे आपको कोड जनरेटर होता है। जो भी आपने वीडियो का लिंक कॉपी किया है उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा इस वाले सेक्शन पे, developers.facebook.com पे कोड जनरेटर पे। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे वो वीडियो आ जाएगी। अब देख सकते हैं कि ये आ चुका है। अब उसके बाद अगर आप इंक्लूड फुल पोस्ट करते हैं तो ये लाइक एंड शेयर बटन और कमेंट बटन भी दिखे। यहाँ से आप लाइक भी कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसको अनचेक कर देंगे, फिर देखेंगे कि आप जस्ट वीडियो देख पाएंगे। तो मैं इसके कोड को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे दो तरीके का कोड होता है, एक तो जावास्क्रिप्ट का कोड, एक आईफ्रेम का कोड होता है। तो मैं आईफ्रेम वाले कोड को प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें बस एक ही लाइन का कोड है जिसको कि मुझे डालना है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए मैं ये एक ब्लॉग डाल रहा हूँ, मुझे इसको पेस्ट कर देना है और उसके बाद फिर मैं इसको कुछ टाइटल दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से दिखेगा। देख सकते हैं दोस्तों कि ये फेसबुक का वीडियो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, जो यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप खुद के पेज का पोस्ट कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको developers.facebook पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं एक खुद का पेज ओपन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव बंदा कि मेरा पेज है, उसके मैं पोस्ट को एम्बेड करना चाहता हूँ किसी भी वेबसाइट में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाला पोस्ट है तो इसको मुझे एम्बेड करना है। तो इसको इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे सी मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, फिर एम्बेड पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगी। आपको वहां से जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये आईफ्रेम की जो कोड है वो आपको यहीं पे मिल जाएगी और आप सिंपली यहाँ पे जाकर के अपने वेबसाइट में आपको डाल देना है। तो फिर मैं ये कर देता हूँ और इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, सैंपल पोस्ट 2। उसके बाद फिर मैं जब इसको पब्लिश कर दूंगा तो फिर आप देखेंगे, अगर मैं इसको व्यू पे क्लिक करता हूँ देखेंगे कि ये पूरा का पूरा विथ लाइक बटन यहाँ पे आ चुका है, कमेंट बटन एंड विथ शेयर बटन। दोस्तों, इसी तरीके से आप किसी भी फेसबुक पेज के पोस्ट को अपने वेबसाइट या ब्लॉग में डाल सकते हैं विथ लाइक कमेंट एंड शेयर बटन। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं बनाऊं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए सी यू, बाय।